वाइटिंग एंटरटेनमेंट की जानी अनजानी श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज बातें एक ऐसे गीतकार की जिन्होंने हिंदी सिनेमा को दर्द, प्यार, रोमांस, जीवन दर्शन, भक्तिपूर्ण और देशभक्ति, इन सभी विषयों को अपनी कलम के माध्यम से सरल शब्दों में लिखकर और उन्हें गीतों में पिरोकर संगीत प्रेमियों तक पहुंचाया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के सुप्रसिद्ध गीतकार व पटकथा लेखक राजेंद्र कृष्ण साहब की। गीतकार राजेंद्र कृष्ण इस नाम से वर्तमान पीढ़ी भले ही अनभिज्ञ हो, परंतु उनकी कलम से निकले पल पल दिल के पास मेरे सामने वाली खिड़की में और एक चतुरनार जैसे लोकप्रिय गीतों को उन्होंने सुना न हो, या फिर उनकी जुमा पर न हो, या फिर योग कहें कि किसी संगीत प्रतियोगिता में उन्होंने इन गीतों को गाया न हो, या फिर इन गीतों को सुनने का उन्होंने लुफ्त न उठाया हो, यह कहना असंभव है। वो भूली दास्ता, सुख के सब साथी, मन डोले मेरा, चली चली रे पतंग, चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, ईना मीना टीका एक चतुरनार, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, पल पल दिल के पास देखा ना हाय, जाना था हमसे ऐसा नम आजे कसम खाएं, वो भूली दास्ता जैसे अनगिनत लोकप्रिय गीतों की एक लंबी सूची है जिन्हें गीतकार राजेंद्र कृष्ण ने कलमबद्ध किया, जिन्हें आज भी संगीत प्रेमी सुनना व गुनगुनाना पसंद करते हैं। राजेंद्र कृष्ण, जिनका वास्तविक नाम था राजेंद्र कृष्ण दुग्गर, वे लोकप्रिय गीतकार ही नहीं एक कुशल कवि, शायर व पटकथा लेखक भी थे। 6 जून 1919 को गुजरात के जलालपुर के जट्टन नामक गांव में, जो अब पाकिस्तान में है, इनका जन्म हुआ था। जब वे 8वीं कक्षा में पढ़ते थे तभी से कविता के प्रति इनका विशेष रुझान हुआ और तभी से उनके विचारों ने कविता का रूप लेना प्रारंभ कर दिया। गीतकार बनने से पूर्व उन्होंने शिमला में बतौर क्लर्क नगर महापालिका में कुछ समय तक नौकरी भी की थी। चूँकि कविता व शायरी के बेहद शौकीन थे राजेंद्र कृष्ण साहब, अतः नौकरी से जब भी फुर्सत मिलती पूर्वी और पश्चिमी लेखकों की पुस्तकें पढ़ा करते और साथ ही अपना लेखन कार्य भी करते रहते। उन्हें सभी भाषाओं की पुस्तकें पढ़ना बेहद पसंद था। उर्दू में जहां फिराक गोरखपुरी और ऐशान दानिश से प्रभावित थे, तो हिंदी साहित्य में कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं उनके लिए प्रेरणा स्रोत थे। उनकी कविताएं सबसे पहले एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित हुई, जब उन्होंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर राधा कृष्ण पर एक कविता लिखी थी। काम के दौरान उनके लिए लेखन कार्य को भुलाना आसान न था, इसलिए वे सदैव कुछ न कुछ लिखा करते थे। इधर कविता व शायरी नहीं, कहानी व संवाद लेखन में भी उनकी विशेष रुचि होने लगी और उनकी यही रुचि उन्हें माया नगरी बम्बई ले आई। 40 के दशक के मध्य वे बम्बई आए। यहाँ आकर उन्होंने सबसे पहले साल 1947 की फिल्म जंजीर के लिए गीत लिखे और इसी साल फिल्म जनता की पटकथा भी लिखी, परंतु दुर्भाग्यवश दोनों ही कार्यों में असफलता मिली उन्हें। एक साल के बाद साल 1948 में उन्होंने अभिनेता मोतीलाल और सुरैया अभिनीत फिल्म आज की रात में गीत और पटकथा दोनों ही कार्य किए और इस बार उनके लिखे गीतों और कहानी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इतना ही नहीं, इस फिल्म के साथ ही उनके लिए सफलता के द्वार भी खुलते चले गए। 1948 में ही फिल्म प्यार की जीत में सुरैया का गाया हुआ तेरे नैनों में चोरी किया मेरा छोटा सा जिया परदेसिया, इस गीत ने चारों ओर धूम मचा दी। उसके बाद साल 1949 में संगीत का श्याम सुंदर के साथ फिल्म लाहौर के लिए बहारें फिर भी आएंगी, ये गीत भी बेहद लोकप्रिय हुआ। इसी साल संगीतकार हुस्नलाल भगतराम के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर और प्रेम लता का गाया हुआ फिल्म बड़ी बहन का गीत चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, इस गीत ने तो संगीत प्रेमियों पर मानो जादू सा कर दिया। सिल्वर जुबली हिट फिल्म बड़ी बहन की सफलता का संपूर्ण श्रेय मिला राजेंद्र कृष्ण साहब के लिखे गीतों को। कहा जाता है प्रसन्न होकर फिल्म के निर्देशक डीडी कश्यप ने राजेंद्र कृष्ण को 1,000 रुपए और ऑस्टिन कार भेंट स्वरूप दी थी और यह उस समय उनके लिए एक बेशकीमती उपहार था। राजेंद्र कृष्ण साहब की गीतों की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि उन्होंने दर्द, प्यार, रोमांस, जीवन दर्शन, इन सभी विषयों को अपनी कलम के माध्यम से सरल शब्दों में संगीत प्रेमियों तक पहुंचाया था गीतों के माध्यम से। एक गीतकार के रूप में उन्होंने उस समय के सभी दिग्गज संगीतकारों के लिए हर प्रकार की गीत लिखे और वे सभी बेहद कामयाब हुए।
सज्जाद हुसैन, एस डी बर्मन, एस मोहिंदर, चित्रगुप्त, सलील चौधरी, रोशन, हेमंत कुमार, सी रामचंद्र, कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आर डी बर्मन प्रमुख हैं। परंतु सर्वाधिक गीत लिखे उन्होंने संगीतकार मदन मोहन के लिए। बतौर गीतकार उनके साथ उन्होंने आशियाना, भाई भाई, देख कबीरा रोया, अदालत, संजोग, इकली मुस्काई और मनमौजी जैसी फिल्मों में मदन मोहन और राजेंद्र कृष्ण का सफलतम साथ रहा। इन सभी फिल्मों के गीतों और गजलों को संगीत प्रेमियों ने खूब पसंद किया। राजेंद्र कृष्ण ने फिल्मों में रोमांटिक, संजीदा, दर्द, हास्यपद गीत ही नहीं, देशभक्ति और भक्तिपूर्ण रचनाएं भी लिखी। मैं आजाद हूँ, दुर्गेश नंदिनी और मिस मैरी जैसी फिल्मों में उनकी भक्तिपूर्ण रचनाएं बेहद सफल रही। 1948 में सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी, इस लोकप्रिय अमर रचना को कलमबद्ध किया था राजेंद्र कृष्ण साहब ने। फिल्म अमर ज्योति के इस गीत को मोहम्मद रफी ने संगीतकार हुस्न लाल भगत राम के संगीत निर्देशन में गाया था। यह गीत आज भी सुनने वालों की आंखें नम कर देता है। गीतकार के साथ साथ वे एक कुशल पटकथा लेखक भी थे। पड़ोसन, छाया, प्यार का सपना, मनमौजी, धर्माधिकारी, माँ बाप, साधु व शैतान जैसी फिल्मों की पटकथा भी लिखी थी राजेंद्र कृष्ण साहब ने। हिंदी भाषा के अलावा लगभग 18 तमिल फिल्मों के लिए उन्होंने पटकथा लेखन का भी कार्य किया। उनकी उत्कृष्ट रचनाओं को संगीत प्रेमियों ने पसंद तो किया, बावजूद इसके इस गीतकार को 1965 की फिल्म खानदान के तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही देवता हो इस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का एकमात्र फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 23 सितंबर 1987 को राजेंद्र कृष्ण साहब ने इस दुनिया को अलविदा कहा। आज वो हमारे बीच भले ही न हो, परंतु अपने गीतों के माध्यम से अपने चाहने वालों के दिलों में वे पल पल चिरस्थायी रहेंगे। वाइटिंग एंटरटेनमेंट की जाने अनजाने की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए, लाइक करके और अपने कमेंट्स के माध्यम से। धन्यवाद।